गाइस गुड मॉर्निंग। सो सुबह हो चुका है, मैम जी नाश्ता बना रही है। मेरी सुबह आज नाश्ता बनानी चाहिए है। मम्मी जी ने ये बना दिया है, मैं उसके ऊपर अपना कुछ कुछ इंग्रेडिएंट डाली हूँ। तो राइस भूसा तो आपको पता ही होगा, बट मेरे से डल नहीं रहा है। अरे डल के छोड़ देना। और सोच रही हूँ मैं वो जो चटनी बनाती हूँ साउथ इंडियन स्टाइल, वो बना लेती हूँ। थोड़ा नया होगा टेस्ट, उसको मैं हटा दे रही हूँ, खराब हो गई बन जाए। डोसा चटनी बनेगी, मम्मी जी एक मिनट इधर आइए, थोड़ा आप कैसे डालते हो बताइए मुझे, मैं फिर डालूंगी। डोसा टाइप डाल रही है तो वो खजूर डाल रही है। नहीं बना डोसा का, नहीं वो कैसे आप डालते हो उसको, कहाँ गया मक्का? कटोरी है, कटोरी हाँ। अच्छा कटोरी चाहिए आपको, वो मक्का दे इसमें नहीं आता, मुझे नहीं आवे मक्का किसी को। मम्मी ने सिखाई डालना डालते मम्मी स्टाइल, ऐसे ही तो डाल रही मैं। मेरे तो कच्चू से रगड़ रही ना, रगड़ने जाती है अपने। मैं निकाली हूँ, उससे डाल के ऐसे मैंने बना नहीं है। पहला फूड ब्लॉगर की भी हालत हो सकती है जब घर आते हैं तो। हो राइस डोसा बना और चटनी बना रही हूँ, अब उसके लिए तो सामान रखती हूँ भाई। थोड़ा सा सामान मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट अब मैनेजिंग। कल की वीडियो भी एडिट करनी है, टाइम मिले तो मैं एडिट करके डालूँ। घर वाला भी काम करना है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी एडिट करूँ और मैं डालूँ, क्योंकि फिर कल निकलना भी है तो बहुत सारा काम है। पहले बना लेती हूँ नाश्ता। मैंने बना दिया, अब बड़ा काम नहीं था, बट कटोरा से ही बनाया मैंने। ये हमारी घर की खेती करी पत्ता कहाँ हो ना? अच्छा हाँ करी पत्ता है तो घर की फ्रेश करी पत्ता सही। अच्छा यार, अरे वाह, मतलब घर से तोड़ो और डाल लो। अरे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सही है, खरीदना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे आराम से मिल गया। टमाटर नहीं है, इट्स साउथ इंडियन, साउथ इंडियन साउथ का चटनी है। खाइए और बताइए। और ड्यूटी देखो, मेनली टेंशन एडिट करने का है। मैं एडिट कर लूँ कि कल 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 क्या क्या है, दिखा पाऊँ आपको, अपडेटेड रखूँ कि मैं रोज क्या कर रही हूँ। हमारे पापा ससुर सूजी के देसी स्टाइल, हम लोग ब्रश यूज करते हैं घर पे, बट यहाँ पे मम्मी जी का जो है टेक्निक, वही टेक्निक से मैं काम कर रही हूँ। ये छत्तीसगढ़ी चीला नॉट डोसा, फूड ब्लॉग तो करना तो पड़ेगा आप लोग के लिए, मैं कर सकती हूँ कहीं भी जाके कुछ भी। के सारा काम कर रहा है, पंखा चला रहा है, ठंडा कर रहा है, सारा काम कर रहा है। घर पे एकदम राजा जैसे रहेगा। देखो चेंज। एक गलती नहीं, एक्चुअली हम लोग क्या रेड चिली जो होता है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, बट यहाँ तो घर का है, गांव का है, तो इसलिए इसमें तीखापन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जैसे मैं चार डालती हूँ तो यहाँ भी चार डाली तो थोड़ा तीखापन हो गया, तो उसके लिए फिर मैं ऊपर से थोड़ा शुगर डाल दी जो बैलेंस कर दें। मेरे पापा जी वो तीखा खाते ही नहीं है, जैसे मेरे मम्मी पापा भी नहीं खाते, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ा शुगर डाल दिया, थोड़ा पानी डाल के नॉर्मल कर दिया। भाई मुझे लगा पहली बार इतने दिन के बाद खाना बना रही हूँ, उसमें प्रॉब्लम हो गया, तब तो भाई दिक्कत ही है। मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए, कंप्लीट कर दी हूँ, जा रही हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। मोटू बनाने जा रहा है चिकन, चिली तो बहुत रहता है ना, तीखा रहता है ना, नहीं तीखा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर कोरिएंडर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, खतरी वो जो रेडी आप बनाते हो घर पे, घर पे बनाते हो, खतरी क्या है? खतरी मतलब गरम मसाला, ये है मिर्च धनिया जीरा अदरक लहसुन, देख रहे हो सब सीख के जाएगा यहाँ से। यहाँ पे चालू कर ये है मम्मी का घर का मसाला, सारे कितना 17 इंग्रेडिएंट का खड़ा मसाला, बस बस बस, ज़्यादा मसाला हो जाएगा फिर वो भी दिक्कत है। कोरिएंडर धनिया, हाँ धनिया डालिए, बस बस बस, हल्का पानी, नमक डाले नहीं है। अच्छा नमक डाले ही नहीं है, अब क्या सारा मसाला डाले, सीख जाएगा लौंडा सीख जाएगा। हाँ एक नाले पे आया तो डाल के आ दो नमक,
मम्मी नमक के लिए पीछे पड़ी हुई है, थोड़ा मैरिनेट होने दे देते हैं। बिना मैरिनेट किए हुए कैसे बनता है? ये ड्राई चिकन बन रहा है और यहाँ हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं, अब वो बिहारी स्टाइल में जो मैं बनाई थी वैसे स्टाइल में। तो अपन बना रहे हैं ड्राई चिकन नए स्टाइल से, सबको दिखाता हूँ मैं। ये अपना स्टार्ट हो गया बर्निंग, सिगड़ी टाइप का। और नेक्स्ट है अपना चिकन जो हमने मैं मसाले के साथ ढेर के संभाल दिया, हम वेट कर रहे हैं तार का, तो तार आएगा तो सब बांध के उसको उसमें डालेंगे, निकाल के उसको डालना है। तो नीचे निकालो उसको, डालते हैं इसको, डाल दिया अपने थोड़ा सा, उसको काफ़ी धुआं निकल रहा है। यहाँ बन रहा है करी, देसी स्टाइल से मम्मी बना रही है कुकर में ना के घर के स्टाइल से चावल, जरीब जैसा मेरा लग रहा है। बाहर में अभी गर्मी बहुत है, अलग बना सकते हैं ये सब्जी। ये सब हमें बैंगलोर में नहीं मिल सकता इसलिए घर पे ट्राई कर रहे हैं। ये देखो मोटू को, ये हो गया रेडी, इसे खोलते हैं थोड़ा देर बाद, देखते हैं कैसा लगता है। बन गया रेडी, टेस्ट तो अच्छा लग रहा है, मैंने थोड़ा चखा है, बन गया है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सामान खोल लेती हूँ, बहुत थकावट लग रहा है मेरे को, जा रही बहुत गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा लग रही है। थोड़ा सा इसको पका, नमक पता नहीं इसको कम क्यों लग रहा है, नमक है ठीक है, तो मॉम डैड पता नहीं शायद नमक ज़्यादा खाते हैं, हम लोग के लिए तो नमक सही है। तो थोड़ा सा हल्का से इसको फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, खाना तो बन गया है, थोड़ा फ्रेश होकर के खाना खा लेते हैं। रेडी रेडी क्या मतलब, नहा लिए, मैं जाती हूँ खाना निकालती हूँ, खाना चलिए खाना।